दोस्तों मोबाइल टेक्निकल गुरु में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन चलाते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिसके जरिए आप अपने मोबाइल फोन की हैंगिंग समस्या को ठीक कर सकते हैं। आपका मोबाइल फोन जीवन भर कभी हैंग नहीं करेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दें और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का आइकन है इस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले जाए। तो दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप मौर्य। अब दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिएगा। जब ओपन करेंगे तो सर्च बार में यहाँ पे ये एप्लीकेशन को सर्च मार करके अपने फोन में डाउनलोड करना है, अनसीन गैलरी कैसे इमेज एंड थंबनेल्स मैनेजर। इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको सीधे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ठीक है। बहुत ही कमाल का ये वीडियो है। जब ये एप्लीकेशन ओपन होगा तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके स्क्रीन में आ जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, अलाउ पे क्लिक करना है। जैसे अलाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का इंटरफेस आपके इस मोबाइल फोन में चलने लगेगा, ठीक है। स्कैनिंग मीडिया, अब यहाँ पे देख सकते हैं जितने आप फोटो खींचेंगे उनकी एक टेम्पोररी फाइल आपके फ़ोन में बनी रहती है जो आपको दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे देख सकते हैं 512 इमेज और यहाँ पे एक इमेज और जो कैमरा का इमेज है 359 इमेज है। दोस्तों इतना मेरे गैलरी में फ़ोटो ही नहीं है जितना यहाँ पे शो कर रहा है। दोस्तों जब भी कोई फ़ोटो आप अपने मोबाइल फ़ोन में खींचते हैं तो उसका एक डुप्लीकेट फाइल आपके फ़ोन मेमोरी में सेव होता है जो दिखाई नहीं देता है। कुछ लोग उसे टेम्पोररी फाइल बोलते हैं, कुछ लोग सेस फाइल बोलते हैं। तो इस फाइल को आपको डिलीट करना है। चलिए यहाँ पे हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं ये जो DCMI यानी जो कैमरा का फोल्डर है हम आपको अपने गैलरी में दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैमरा का 199 फोटो यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन यदि आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पे 359 फाइल यहाँ पे शो कर रहा है। दोस्तों इस फाइल को क्या करना है, हमें एक एक करके डिलीट कर देना है, ठीक है। जब यहाँ से डिलीट करेंगे तो आपका जो फ़ोन मेमोरी है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप एक एक करके डिलीट कर लीजिएगा। ये वीडियो बस आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी भी फाइल कम हो गई। दोस्तों इस तरीके से आप फ़ोन मेमोरी को खाली कर सकते हैं। जब आपका फ़ोन मेमोरी खाली होगा, रैम आपका फ्री होगा, तो आपका मोबाइल फ़ोन फास्ट काम करने लगेगा। अब दोस्तों हम आपको दूसरी सेटिंग बताते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। जब आपके मोबाइल फ़ोन में सेटिंग ओपन होगा तो नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, ध्यान से देख लीजिएगा स्टोरेज का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके फ़ोन मेमोरी में एक ऑप्शन होता है, ठीक है, स्टोरेज में सेस डाटा, ठीक है। इस सेस डाटा को आपको डिलीट करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लियर करने के लिए ओके मांगेगा। दोस्तों ये सेस डाटा वो डाटा होता है जो आप किसी से फाइल रिसीव करते हैं, किसी को भेजते हैं, फ़ोटो डाउनलोड करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, कहीं से भी कोई चीज़ लेते हैं या देते हैं, तो उसकी टेम्पोररी फाइल आपके फ़ोन मेमोरी में सेव होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है। तो इसे भी आपको क्लियर करना रहता है। जब इसे आप क्लियर कर देंगे तो आपके फ़ोन मेमोरी में स्पेस बढ़ेगी, तो आपका जो रैम है वो और फास्ट काम करने लगेगा। मोबाइल फ़ोन हैंग नहीं करेगा, मोबाइल फ़ोन रिस्टार्ट नहीं करेगा और मोबाइल फ़ोन आपका पहले से फास्ट काम करने लगेगा। बस ये दो सेटिंग आप हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन में करते रहिए, आपका मोबाइल फ़ोन कभी भी हैंग नहीं करेगा, आपका मोबाइल फ़ोन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।